नमस्कार मित्रों, मैं पंडित संजीत झा आपका अपना YouTube चैनल माई दशा में स्वागत करता हूँ। प्लीज आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। यदि आप हमारे हमें Facebook पेज पे देख रहे हैं माई दशा, तो आप जो है उसको पेज को लाइक करें, और यदि आप हमें YouTube पे देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और प्लीज आप अपनी जो है राय कॉमेंट के जरिए जरूर दर्ज कराएं, जिससे कि मैं आपके लिए और भी अच्छी वीडियोस और जानकारी लेकर आता रहूं। तो आइए बात करते हैं दीपावली की। दीपावली पूजन की बात नहीं मैं करूंगा, उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो आपको लेकर आऊंगा, उसमें बताऊंगा कि घर में दीपावली पूजन किस प्रकार करें। आज हम बात करेंगे दीपावली में होने वाले साफ सफाई के बारे में, कि 5, 4, 2 या जितनी भी कोई खराब वस्तु यदि हम अपने घर में रखते हैं तो उससे हमारे घर में जो है अशांति बनती है। और वो चीजें क्या हो सकती हैं, इसके बारे में मैं संक्षेप में आपसे बात करूंगा, क्योंकि कई बार उन चीजों से हमारा प्रेम मोह लगाव इतना होता है जिसके कारण उसको हम निकाल नहीं पाते हैं। सोचते हैं कि चलो कोई बात नहीं, पड़ा हुआ है, कभी न कभी काम आ जाएगा, परंतु वो काम कभी नहीं आता और वो सार दर सार जो है हमारे घर में पड़ा रहता है। तो कई सालों तक जो वो घर में पड़ा हुआ है तो उसमें नकारात्मक ऊर्जाएं जो हैं वो व्याप्त होती हैं, और वह ऊर्जाएं हमारे जीवन में क्लेश उत्पन्न करती हैं। तो उन क्लेश से मुक्ति प्राप्त करने के लिए उन वस्तुओं से हमें छुटकारा पाना चाहिए। अब वो वस्तु क्या हो सकती है? जैसे वो वस्तु कोई खराब टीवी हो सकता है, खराब मोबाइल हो सकता है, या आपके घर में टूटे फूटे झाड़ू हो सकते हैं, टूटे हुए बर्तन भी हो सकते हैं, या आपके घर में पड़ा हुआ कोई घड़ी है बंद पड़ी हुई। मैं इस घड़ी के संदर्भ में एक और बात आपसे करना चाहूंगा। मैं अक्सर देखता हूँ लोगों के घर में घड़ी लगी होती है, उसका टाइम 15 मिनट आगे, 20 मिनट आगे, 25 मिनट आगे, और दक्षिण दिशा की ओर टंगी रहती है। तो प्लीज आप जो है अपने घड़ी को पहले तो वेल मेंटेन टाइम पर रखें, जो एक्चुअल टाइम है उसे एक आधा सेकंड या 1 मिनट आप आगे कर सकते हैं, वो बात अलग है, परंतु ये 15 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट, आधा आधा घंटा आगे घड़ी पर लगी हुई है और दक्षिण की ओर दीवार पर टंगी हुई है, तो वो बहुत ही कष्टकारी हो सकता है आपके लिए। तो पहले तो इस चीज को सही करें, और बंद पड़ी हुई घड़ी एक भी हमें घर में नहीं रखनी, चाहे वो हैंड वॉच हो या वॉल क्लॉक हो। तो दीवार वाली या हाथ वाली कोई भी घड़ी जो है ना, वो हमें बंद नहीं रखनी है। यदि आप उसको इस्तेमाल करते हैं तो आप उसको ठीक करा के रखिए और अच्छी तरह पहनिए उसको और इस्तेमाल कीजिए उसका, तभी वो फायदेमंद है, नहीं तो वो घर में रखना आपके लिए बेकार है। तो उन सब चीजों को आप घर से निकालें, और उसके बाद कोई भी परे पुराने मोबाइल वगैरह हैं उनको घर से निकालें, टूटी फूटी वस्तु को घर से निकालें। जितना आप अपने घर को स्वच्छ रखेंगे, जितना आप अपने घर को सुंदर बनाकर रखें, उतना ही माँ लक्ष्मी आपके ऊपर प्रसन्न होंगी, और आने वाली दीपावली जो है आपके लिए उतनी शुभ हो जाएगी। तो आप ये प्लीज इन बातों का ध्यान रखिए, इन बातों को आगे बताइए और शेयर कीजिए। और एक चीज, हाँ, फटे पुराने कपड़े भी घर में नहीं रखने चाहिए, बहुत ज्यादा घर में फटे पुराने कपड़े हो जाते हैं, वह भी हानिकारक है। तो उन फटे पुराने वस्त्रों को भी आप जो है, यदि वो इस्तेमाल हो सकते हैं थोड़ा बहुत सिल करके, तो आप उसको किसी जरूरतमंद को दे दें, और नहीं अगर इस्तेमाल हो सकते हैं उनको घर से बाहर निकालें, जलाएं या जो मर्जी करें, परंतु घर में ना रखें, ठीक है? तो कोई भी पुरानी वस्तु जो है जो यूज नहीं होती है वह घर में रखना हमारे लिए हानिकारक है। एक तो हमारा वैसे भी स्पेस खाएगी, जगह खाएगी घर की, और ऊपर से वो इस्तेमाल नहीं होगी, तो उसके द्वारा जो है नकारात्मक ऊर्जाएं जो हैं ये हमें तंग करेंगे। तो मित्रों प्लीज आप जो है इन चीजों का ध्यान रखिए, और इस दीपावली को शुभ बनाइए, अशुभ मत बनाइए। तो इन सब चीजों को घर से आज ही निकालिए, घर में से जितने भी जाले इत्यादि लगे हैं उन सबको निकाल दीजिए। आपको इस वर्ष जो है दीपावली बहुत ही विशेष बनेगी, अच्छी बनेगी, यदि आप इन बातों को फॉलो करेंगे तो लगेगा कि हाँ हमने कुछ दीपावली में अचीव किया है। तो आप प्लीज इस वीडियो को आगे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट करके अपनी राय जो है जरूर दर्ज कराइए, जिससे कि मैं आगे भी आपके लिए बहुत ही यूजफुल वीडियो लेकर आऊं। ओके फ्रेंड्स, जय माता दी, जय माता दी।